आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। देश में कोरोना से बचाने वाले टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के साथ देशवासियों के लिए खुशखबरी बड़ा ये साल जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी भारत में तैयार की गई कोविड वैक्सीन को अभी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है और साथ ही वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और कोरोना से संबंधित बहुत से सवालों का बहुत से प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला और इसके अंतर्गत हम कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा प्रसारित करते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज जो हमारे साथ हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, हमारी फोन कॉल्स खुली हुई हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। ये नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फोन नंबर है जिसपे आप फोन कर सकते हैं 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताते चलें कि देश में इस समय कोविड की क्या स्थिति है। कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है। 23 दिसंबर से लेकर आज यानी 5 जनवरी के बीच 3% से ज्यादा कमी आ चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 442 नए मरीजों का पता चला है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोविड टीकाकरण अभियान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां वहां पर हो चुकी है। डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हैं जहन में, बहुत से प्रश्न हैं कोरोना से संबंधित, वैक्सीन को संबंधित। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस एक महत्वपूर्ण सवाल से जो हर किसी के मन में है, वो ये जानना चाहता है कि अगर कोई सिम्टोमैटिक जिसे पता नहीं चला है कि उसे कोविड है और वो सही हो गया है तो वो वैक्सीन लगवाने जाता है तो क्या होगा? क्या वैक्सीन लगाने से पहले उसका टेस्ट किया जाएगा कि उसे कोविड के संक्रमित हुआ था, क्या उसमें एंटीबॉडीज बने हैं क्या एंटीबॉडीज नहीं बने? डॉक्टर अपर्णा, अभी टेस्टिंग का कोई प्रपोजल नहीं है कि जिनको हुआ है उनको टेस्ट करेंगे पहले, क्योंकि एंटीबॉडी लेवल्स टेस्ट किए बिना उनको वैक्सीन से वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मालूम हो रहा है कि कई लोग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करते हैं, कई लोग बहुत अच्छा माउंट करते हैं, कई लोग कम माउंट करते हैं, कईयों में जिनको हुआ है उनमें एंटीबॉडी लेवल्स डिटेक्ट नहीं हो रही हैं। हो सकता है उनमें मेमोरी सेल्स होएं और वो दोबारा इन्फेक्ट ना होएं, लेकिन उसकी अभी तक हमारे पास पूरी रिसर्च नहीं है। तो एज ऑफ नाउ सबको वैक्सीन देने का प्लान है और ये लोग गवर्नमेंट ने अपना वो प्रपोजल बनाया है कि किसको पहले देंगे, किसको नेक्स्ट स्टेप देंगे और स्टेप वाइज कैसे कैसे लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जी जी डॉक्टर अपर्णा, यहाँ पे एक सवाल और भी है कि कहा जा रहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दी जाएगी, ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जैसे गर्भवती महिलाएं या बच्चे? कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें अभी वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं हुई है। जी, जिसमें एक है प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, उन पे अभी टेस्टिंग नहीं हुई है। जी, सेकेंड बच्चों में अभी ट्रायल्स इनिशिएट किए हैं इंडियन वाले वैक्सीन में, भारत बायोटेक वाले में, जो अभी तक बाकी में टेस्ट नहीं हुए हैं। तो फिलहाल जो ग्रुप्स पॉपुलेशन जिनको देंगे उसमें बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को अभी नहीं देंगे और बाकी फिर टेस्टिंग नेक्स्ट फेज में जैसे होगी और जैसे जैसे और रिसर्च हमको अवेलेबल होगी उसके बाद में उनको वैक्सीन मिलेगा। जी। वैसे ये है कि जिसमें जो एमआरएनए और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हैं वो शायद सेफ हों, लेकिन अभी रिसर्च के बाद ही पूरी तरह से पता चलेगा।
जी डॉक्टर, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसके भी कुछ मरीज जो है वो भारत में मिल रखे हैं। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के क्या कुछ अलग लक्षण हैं और क्या इससे बचने के कुछ और एहतियाती उपाय करने होंगे हमें? नए स्ट्रेन के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दो चीजें जरूर हैं कि एक तो ये इन्फेक्टिव ज्यादा है। जी, तो पहले हम बोलते थे कि एक मरीज एवरेज में और 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एवरेज 3। कुछ सुपर स्प्रेडर्स होते हैं जो कई लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, कई नहीं करते हैं, लेकिन एवरेज 3 to 4। ये नया वायरस, नया स्ट्रेन जो है, दिस इन्फेक्ट्स अबाउट 5 to 6 पर पर्सन इन्फेक्टेड। लेकिन अभी रिपोर्ट में हालांकि ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन इसकी वेरुलेंस ज्यादा नहीं पाई गई है। मतलब जो मरीज जिनको ये हुआ है, जिनमें स्ट्रेन है, उनमें सिवियरिटी कोविड की ज्यादा नहीं पाई गई है, मोर्टेलिटी भी ज्यादा नहीं पाई गई है। हालांकि इट इज टू अर्ली टू से कि ये कम वेरुलेंट है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट से यही लगता है। एक और आशंका थोड़ी सी है जो यूके के कुछ रिपोर्ट्स में आई है कि शायद ये बच्चों में ज्यादा प्रेवलेंट हो। जी, वो भी अभी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फाइनल रिपोर्ट उस पर, लेकिन ये चीज हमको माइंड में रखनी है कि शायद बच्चों में ज्यादा स्प्रेड हो ये। जी, वो देखना है। डॉक्टर, दो वैक्सीन आ चुके हैं, कोरोना का नया स्ट्रेन भी जो है वो आ चुका है, फिर वही मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या जो वैक्सीन आए हैं या जो वैक्सीन फ्यूचर में, भविष्य में अवेलेबल होंगी, क्या ये इस स्ट्रेन को या अगर ये वायरस और म्यूटेट करता है तो उन पर भी काफी होंगी? अगेन, ये प्रिसम्पशन है कि इट विल बी इफेक्टिव। जी, क्योंकि जो वायरस में जो एंटीबॉडीज ये जेनरेट कर रहा है, वो स्पाइक प्रोटीन्स, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। जी, लेकिन ये हमको आगे रिसर्च से ही पता चलेगा कि उसकी एफिकेसी उतनी ही है जितनी यूजुअल कोरोना वायरस में थी कि नहीं। अभी टेस्टिंग शुरू हो गई है इनमें भी, और फिर देखना होगा कि कैसा है। जी, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अपर्णा, और आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 1800-1157-67 और 2331-4444। और अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो 011 लगाना न भूलें। इस बीच मध्य प्रदेश के राजगढ़ से राम नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। कार्यक्रम में आपका स्वागत है राम नरेश। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जैसे 50 साल के ऊपर, जैसे 60 साल के आसपास के वरिष्ठ वृद्ध लोगों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या उसके बाद में कोई कमजोरी का भी इसमें हम आशंका कर सकते हैं, या फिर आराम कितना करना होगा, क्या आराम की भी आवश्यकता होगी उन लोगों को? और दूसरा प्रश्न ये है कि युवाओं को, जो युवा हैं, उनको क्यों आवश्यकता नहीं हो है अभी वैक्सीन लगाने की, या बाद में इसके ऊपर भी क्या वैक्सीन लगाई जाएगी क्या युवाओं को? डॉक्टर साहब, दोनों ही प्रश्न इनके बहुत अच्छे हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्यों सिर्फ बुजुर्गों को ही ये वैक्सीन लगाई जा रही है, युवाओं को क्यों नहीं लगाई जा रही है, और क्या वैक्सीन लगाने के बाद, टीके के बाद, क्या इन्हें कोई कमजोरी भी आ सकती है, या इन्हें कितना आराम करना पड़ेगा पहले या दूसरी डोज के बाद? तो बाद वाला आपका सवाल पहले लेती हूँ कि एल्डरली में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ऐसे आराम की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में माइनर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिनको थोड़ा सा फीवर या बॉडी एक, हेडेक थोड़ा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आराम करना बेटर है। जिसको कोई सिम्टम नहीं है उनको आराम करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन का उससे रेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वैक्सीन की एफिकेसी का। तो अगर कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता है माइनर, तब आप आराम कर लीजिए। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो फिर आराम की जरूरत नहीं है। जहां तक युवाओं को वंचित करने की बात है, जैसा कहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना है,
डोजेस जितनी हमको रिक्वायरमेंट है वो एकदम से अवेलेबल नहीं हो सकती और एकदम से सब लोगों को लग नहीं सकती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं होता है। तो प्रायोरिटी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की होगी जो सब इन मरीजों को देख रहे हैं, क्योंकि वो हेल्दी रहेंगे, उनको प्रिवेंट करेंगे कोरोना, तो वो आगे भी इलाज कर सकेंगे सबका। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस वाले हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आदि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके बाद एल्डरली, एल्डरली इसलिए युवा वर्ग से पहले इसके ये है क्योंकि उनमें चांसेस ऑफ सीवियर डिजीज आर मोर, तो इसीलिए उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा है और सीवियरिटी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग एल्डरली को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं फॉर वैक्सीनेशन। 50 साल से कम लोगों में उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर वैक्सीन देंगे, उनमें भी अभी गवर्नमेंट लिस्ट बनाएगी जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 50 से कम है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे लंग की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की है, लंग्स की है, या जो इम्यूनो सप्रेस्ड है किसी भी वजह से, वो डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लेकर के अगर रजिस्टर करेंगे तो नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी अंडर 50 विद कोमॉर्बिडिटीज, उसके बाद बाकियों को मिलेगा। इस बीच एक अन्य कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, अयोध्या से सुमित शुक्ल। सुमित जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सुमित जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, डॉक्टर हमसे फिर बात करेंगे। इस बीच एक और सवाल है जो बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ही आम सवाल है, टीका लगवाने के बाद क्या मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी? डॉक्टर, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि अभी हमको सारी प्रिकॉशंस जो अभी ले रहे हैं वो सब लेनी है। जैसे ये बताया गया है कि ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल है, अभी हमारे पास लॉन्ग टर्म एफिकेसी और सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा नहीं है जी। तो हम ये नहीं जानते कि इसमें एंटीबॉडी लेवल्स कितने टाइम तक रहेंगी एक इंसान में और कितने लेवल पर रहेंगी। अभी हमको ये भी पूरी तरह से नहीं मालूम है कि ये कितने परसेंट लोगों में इन्फेक्शन फुल्ली प्रिवेंट करेगा जी। हमारी अभी इमरजेंसी यूज के लिए एफिकेसी रिक्वायर्ड इज 50% अबव 50%। तो मेजॉरिटी ने बोला है कि मोर देन 50% है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे हैं इंसान जिनको वैक्सीन मिलने के बाद भी इन्फेक्शन हुई है, बट इन्फेक्शन इज मच माइल्डर या एसिम्प्टोमेटिक जी। डॉक्टर, इस पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच दिल्ली से चंद्रकांत अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला कि पहला डोज लगेगा और उसके दूसरे डोज में 30 दिन का अंतराल रहेगा, तो ये पहला और जो दूसरा जो डोजेस है ये क्या दोनों सेम कंपोजिशन से है या इज डिफरेंट? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं कि पहला और जो दूसरा डोज है दोनों एक ही कंपोजिशन है, एक ही क्वांटिटी होगी या दोनों अलग अलग होंगे? दोनों एक ही क्वांटिटी होगी, अभी जो इंडिया में दे रहे हैं वो दोनों एक ही क्वांटिटी होगी। ऐसा जो ऑक्सफोर्ड वाला ट्रायल, एक कंट्री में उन्होंने जो ट्रायल की थी वो फर्स्ट डोज हाफ डोज लगी थी जी, वो शुरू में गलती से लगी थी, उसके बाद उनको रिस्पांस अच्छा मिला था तो उन्होंने ट्रायल प्रोटोकॉल मॉडिफाई किया था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में दोनों डोजेस सेम थी। इंडिया में एज ऑफ नाउ वी विल बी यूजिंग सेम डोज, आगे और जैसे हमारे पास रिसर्च की अवेलेबिलिटी होती है बाकी कंट्रीज में हाफ डोज और फुल डोज, तो मे बी गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल ऑन दैट। जी तो डॉक्टर साहब, वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों डोज लेनी चाहिए तभी वायरस का इलाज पूरा होगा और प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, बिकॉज एंटीबॉडी रिस्पॉन्स सेकेंड डोज के बाद में ही बेटर है, फर्स्ट डोज के बाद में रिस्पॉन्स है
लेकिन उतने लेवल पर नहीं है जितना सेकेंड डोज के बाद है। तो एफिकेसी के लिए बोल रहे हैं सेकेंड डोज के बाद भी 2 to 4 weeks लगते हैं। तो ये 1.5 महीने का जो टाइम है, 1.5 से 2 महीने, उसमें तो इट इज प्रिज्यूम कि हमको कोरोना हो सकता है। 6 to 8 weeks के बाद में वी शुड बी इम्यून टू दैट। इस बीच बाड़मेर से कमलेश अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या सवाल है कमलेश जी आपका? सर, मेरा सवाल है कि सब प्रकार के कोरोना एक साथ कैसे आ रहे थे? बहुत भयंकर कोरोना फैला है और नए नए कोरोना के लक्षण आ रहे थे, बेटे ने बताया जरा, तो ये क्या कारण हो सकते हैं? पहले कभी नहीं आए, मतलब डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, पहले तो इतनी कभी भयंकर महामारी नहीं हुई है, अचानक कोरोना कहाँ से आ गया? पहले भी हुई है, 100 साल पहले हुई है, उससे पहले भी अबाउट 100 ईयर इंटरवल पर हो रही है और इसके रिस्पॉन्सिबल हम सब मिलकर के हैं, जो हम लोग एनवायरनमेंट का ये कर रहे हैं उससे भी हो सकता है। बाकी वायरस म्यूटेट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो एग्जैक्ट रीजन नहीं कह सकते कि क्यों है जी। लेकिन पोल्यूशन और एनवायरनमेंट की जो हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें भी कंट्रीब्यूट की हैं इस महामारी में। डॉक्टर साहब, देश के 5 राज्यों में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, तो ये मान के अब हमें चलना चाहिए कि क्या इन राज्यों में हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है? जो डेटा मिला है सीरो सर्वेलेंस का इससे पहले, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हालांकि थी, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी जितनी नहीं थी किसी में भी। अभी लेटेस्ट तो अभी हुआ नहीं है, जो थर्ड इनको कंडक्ट करना है तो उसके अभी रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमको अबाउट 60 to 70% लोगों को जब इन्फेक्शन हो जाएगी तब हर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। वैक्सीन के माध्यम से वो पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग इम्यूनाइज कर दें अबाउट 70% पॉपुलेशन को, तो वी होप कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए और कोरोना पैंडेमिक की वेन हो जाए। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली से विनोद हमसे जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है विनोद जी आपका? सर, मैं कोरोना पेशेंट के संपर्क में आया हुआ था जी, करीब 20-25 दिन हो गया, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था जी। तो अभी भी हमें मतलब कोई ऐसा सिम्टम नहीं आया, ना हमारा जुकाम हुआ ना बुखार आया जी। तो क्या मैं अभी भी अपना कोरोना चेक कराऊं या ना कराऊं? जी डॉक्टर विनोद जी का सवाल यह है कि वो 20-25 दिन पहले कोरोना व्यक्ति के संक्रमण में आए थे, उसके बाद इन्होंने क्वारंटीन कर लिया था अपने आप को और उनमें फिलहाल अभी किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, क्या उन्हें अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना का करवाना होगा? अभी करवाने का कोई फायदा नहीं है और जरूरत भी नहीं है जी। शुरू में अगर करवाना था तो शुरू में करवाना चाहिए। किसी भी मरीज के कॉन्टैक्ट में जब आते हैं, सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट जब होता है, तो हमको टेस्टिंग करवानी है बिटवीन 5 to 14 days मैक्सिमम। तो यूजुअली हम लोग 5 to 10 days के बीच में बोलते हैं टेस्टिंग करवा लें, स्पेशली अगर सिम्टम्स आए तो। अगर कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा है और सिम्टम्स एकदम नहीं है, आपने क्वारंटाइन किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी 25 दिन हो गए हैं तो टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हुई भी होगी एसिम्टोमेटिक, तो अभी उस कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। हमारे अगले श्रोता सीतामढ़ी से हैं सुजीत पाठक, आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल है, क्या ये टीका लगेगी तो दूसरे भी वायरस से क्या बचाव कर सकता है? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं ये जो वैक्सीन इन्हें कोरोना की लगेगी, क्या ये दूसरे वायरस से भी बचाव कर सकती है? नहीं, ये कोरोना स्पेसिफिक है। कोरोना वायरस में एक स्पाइक प्रोटीन होता है जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाई जा रही है, तो ये वैक्सीन कोरोना स्पेसिफिक है, COVID-19 पर ही असर करेगी जी। डॉक्टर, कई बार ऐसा भी देखा गया है व्यक्ति बिल्कुल ठीक है,
अचानक उसको बुखार होता है और शाम तक आते आते उसकी सांस फूलने लगती है और एक जिसे कहते हैं एक साइंटिफिक वर्ड है हाइपोक्सिया उसको हो जाता है। आप हमें समझाएं कि हाइपोक्सिया क्यों होता है और क्यों ये अचानक व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कम है जी। तो लंग से नॉर्मली हम लोग की ऑक्सीजनेशन होती है जो ब्लड में जाता है, सब टिश्यूज में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म से वेस्ट बनता है वो निकलता है, वो भी लंग्स के थ्रू निकलता है जी। जब भी कोई लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी भी चीज की वजह से, इट कैन बी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस है जो ब्रोंकियल एस्मा बोलते हैं, तो पैसेजेस की इन्वॉल्वमेंट होती है, डायरेक्टली लंग्स की नहीं होती है। हार्ट की वजह से कभी कभी लंग्स में पानी भर जाता है, तो किसी भी वजह से अगर लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है जी। गैस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो बॉडी से निकल रहा है, वो दोनों का एक्सचेंज जब प्रॉपर नहीं हो पाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है जो सब टिश्यूज को भी डैमेज कर सकता है। तो जब बॉडी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम होती है तब हम उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। डॉक्टर देखा गया कि कई व्यक्तियों में ये अचानक ही एकदम हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो हाइपोक्सिया के शिकार हो गए हैं, ऐसा क्यों होता है? इसमें कोविड में ये खास तौर पर पाया गया है जिसको टर्म हम लोग यूज करते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया जी। हैप्पी मतलब इंसान को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम लोग टेस्ट करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर एक मशीन है छोटी जी, सी जी, जी। जो उंगली उसके बीच में डालते हैं तो वो रीडिंग ले लेती है कि उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कितनी है जी। तो हॉस्पिटल में जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उन्हें हमको पता चलता है कि भाई सैचुरेशन लो है, हालांकि मरीज बात कर रहा है, सब कर रहा है, कहता है मेरे को कोई सिम्टम नहीं है, उसको हम बोलते हैं टर्म यूज करते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। तो कई बारी एकदम से सडनली पाया गया है, उसमें यही है कि लंग का एक्सचेंज, लंग के थ्रू जो एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये वायरस लंग्स में इन्फेक्शन जो हुई है इससे उसके निमोनिया हो गया है तो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंसान को क्यों कोविड 19 में ऐसा हो रहा है कि भाई उसको उतनी ज्यादा ब्रेथलेसनेस नहीं फील हो रही है और नहीं हो रहा है, उसके रीजन अभी फुल्ली नहीं मालूम, लेकिन ऐसा पाया गया इसीलिए टर्म यूज करते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया जी। और भी कुछ अगर सिवियर इन्फेक्शन हो जाए किसी को तो उसमें ऐसा हो सकता है कि विद इन आवर्स आपको हाइपोक्सिया हो जाए जी। ज्यादा कॉमन है जिनमें लंग एलिमेंट्स ऑलरेडी हो जी। हार्ट डिजीज के सेकेंडरी जो होता है जिसको हम लोग फेलियर बोलते हैं या पल्मोनरी डीमा बोलते हैं, उसमें भी विद इन आवर्स हो सकता है। डॉक्टर, इस कोरोना काल के अंदर जो व्यक्ति सिगरेट, तंबाकू या मदिरा का ज्यादा सेवन करते हैं, क्या उनपे इसके इफेक्ट जो है वो ज्यादा होने की चांसेस रहते हैं, आशंका रहती है? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि इन सब से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है जी। और इन दोनों चीजों से और डिजीजेस भी होती हैं। इन लोगों में लंग इन्फेक्शन जो स्मोकर्स हैं या जो गुटखा तंबाकू खाते हैं जी, उनमें और जो स्मोकर्स हैं उनमें लंग डिजीजेस ज्यादा कॉमन है, और जिनमें लंग डिजीजेस ज्यादा कॉमन है उनमें कोरोना ज्यादा सिवियर होने के चांसेस हैं, मोर्टैलिटी भी ऐसा पाया गया है कि उनमें ज्यादा होती है जी। जो लोग मदिरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी लिवर डिजीज हो सकती है, जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और एक्सेसिव अमाउंट से बॉडी में और भी हार्ट में बीपी ये सब की शिकायतें भी हो सकती हैं। तो यदि सारी की सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं जो कोरोना को ज्यादा सिवियर करती हैं और मोर्टैलिटी ज्यादा करती हैं। इस बीच बड़ौत से हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी जिससे हम दोबारा प्रभावित न हो सके कोरोना से?
जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बाद इन्हें और क्या क्या सावधानी बरतनी होगी ताकि ये दोबारा कोरोना से पीड़ित न हो। कोरोना वैक्सीन के बाद आपको कोरोना से पीड़ित होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन आपको एहतियात सारे बरतने हैं जो अभी कर रहे हैं, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब भी मेंटेन करके रखनी है। जब तक 70% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बने, तब तक आपको प्रिकॉशंस लेनी है। जी, इस बीच हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, पंजाब के जालंधर से विजय। विजय, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो विजय, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, क्या सवाल है आपका विजय जी? सवाल ये है कि एंटीबॉडी है और इम्यूनिटी है, इसमें क्या अंतर है? जी, आप अपने सवाल को एक बार फिर दोहराएंगे। एंटीबॉडी, हाँ जी, और इम्यूनिटी में क्या फर्क है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं एंटीबॉडी और इम्यूनिटी में क्या फर्क है। इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं शायद। हाँ जी, तो एंटीबॉडी एक ये बॉडी में प्रोटीन है जो बनता है अगेंस्ट एंटीजन, जो वायरसेस में, बैक्टीरिया में, पैथोजेंस में होता है, उसके अगेंस्ट बॉडी एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंटीबॉडीज बनाती हैं। जी, इम्यूनिटी हम तब बोलते हैं जब वो एंटीबॉडी लेवल्स इतने होए जो हमको प्रोटेक्ट करें। जी, तो सब में एंटीबॉडी लेवल्स नहीं बनती कोरोना के बाद भी, तो और प्लस जितने एंटीबॉडी लेवल्स बनती हैं वो हो सकता है कि उतने लेवल की ना हो जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। जी, तो ये फर्क है थोड़ा सा, क्योंकि इम्यूनिटी तब कहेंगे जब हमको इन्फेक्शन नहीं हो। अगर हम कोरोना से ग्रसित, कोरोना अगर के कांटेक्ट में आए तो वो हमारी बॉडी में डिजीज नहीं करे। एंटीबॉडी लेवल्स प्रोड्यूस होंगी, वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इम्यूनिटी है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का एक अंतिम सवाल, कुछ ही महीनों बाद कोरोना के और भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैक्सीन हमारे लिए सही है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है एट दिस स्टेज। अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही टाइप का वैक्सीन अवेलेबल होगा ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग शेड्यूल्स हैं, डोजेज अलग अलग हैं, शेड्यूल्स अलग अलग हैं, उनकी मॉनिटरिंग अलग अलग होगी। अभी तक जो वैक्सीन्स आए हैं सब में इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिली हुई है, तो इट इज नॉट फुल अप्रूवल। तो सब जितनों को भी वैक्सीन मिलेगी वो सबको फॉलो अप करना है और स्टडी करना है कि उसका इफेक्ट कितना है और साइड इफेक्ट क्या है। जी डॉक्टर, चलते चलते डेफिनेट नहीं है तब तक गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होंगे। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इम्यूनो सप्रेस्ड हो या कुछ हो जिसकी वजह से मे बी सम वैक्सीन आर बेटर, जैसे फाइजर का बोला है कि जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर्स है वो ये अवॉइड करें अभी शुरू में। डॉक्टर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? वैक्सीन के लिए पेशेंस रखिए, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है स्टेप वाइज, फेज वाइज कि कैसे कैसे लोगों को वैक्सीन मिलेगी, सबकी बारी आएगी बट इन अ फेस्ड मैनर, जिसको ज्यादा जरूरत है उनको पहले मिलेगी। और वैक्सीन के बाद, लेने के बाद भी हमको ये तीनों जो पिलर्स हैं प्रिवेंशन के कोरोना से वो फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो मेंटेन करके रखना है जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती है। डॉक्टर साहब, सभी सवालों का जवाब देने के लिए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।